नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीबीआई ने एचएएल, गेल और ओएनजीसी के अधिकारियों को ठेका लेने के लिए रिश्वत देने के आरोप में रॉयल्स ट्रायल्स समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों में कंपनी के अधिकारी भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही उठापटक के बीच पेट्रोल की कीमत बुधवार को स्थिरता रही। इससे पहले पेट्रोल में लगातार 6 दिन तक गिरावट दर्ज की गई। 2 दिन की गिरावट के बाद डीजल के भाव भी बुधवार को स्थिर रहे। अमेरिकी फेड की बैठक से पहले भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा टूटकर 37,182 के स्तर पर है। वहीं निफ्टी भी 52 अंकों की गिरावट के साथ 11,033 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। लंबे समय से घाटे में चल रही पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर विचार हो रहा है। हालांकि इस विलय को लेकर अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल लेगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में पंजीकृत लगभग 6,08,000 कंपनियां बंद हो गई है। सरकार की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बंद हुई कंपनियों की यह संख्या एमसीए के साथ पंजीकृत कुल कंपनियों का 36% है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।